अचार बनके तैयार हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब और टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है ये, पहाड़ों पे मिलती है और इसे खाना बहुत ही अच्छा रहता है। सीजन के हिसाब से खाएं तो काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ भी दूर होती हैं और टेस्ट भी बहुत आता है खाने में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुमताज़ ब्लॉगर के साथ। नई सुबह, नया दिन और नई जर्नी के साथ। तो आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ किस रोड का अचार, जिसको लिंगड़ के नाम से जाना जाता है और नई नए हर प्रकार के नाम से उसको जाना जाता है और बहुत ही अच्छी औषधि है। अचार बनाना सिखाऊंगी, तो उससे पहले आप प्रीवियस मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अचार बनाना। तो ये देखिए, हमने ये आज हम बना रहे किस रोड का अचार, तो हमने ये देखिए किस रोड ले ली, जिसके लिंगड़ के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको इसको इस तरह निकालना है, ये जो इसका ऊपर का लिंगड़ है इसको साफ़ करके रख देना और इसी तरह दोनों हाथों की मदद से इसको साफ़ कर लेना है। और ये देखिए, ये ज़रूर निकाल देना, इससे ख़राब हो सकता है अचार। आपको यही चीज़ें बस ये चीज़ साफ़ कर करके रखते जानी है। इसी तरह ये देखिए, मैंने ये सारे ही साफ करके रख लिए हैं। अभी अब मैं इसे धीरे धीरे इस तरफ करके पकड़ के इसको काटना शुरू करूँगी। इसको छोटे छोटे स्लाइस में काटना शुरू कर देना हमने, इस ये जो ना, और बस इसकी छोटे पीसेस बना लेने हैं आपने। तो आपको ये अच्छे से ऐसे से स्लाइस बनानी है और धीरे धीरे बनाते जाना। तो इसी तरह आपको सभी स्लाइस को, जितनी भी स्लाइस है आपको ऐसे काट रहा। तो देखिए, मैंने सारी स्लाइस काट दी, अब इसे धोने। तो देखिए, इसे अच्छे से धो लेना है पानी में, ताकि इसके बाल जैसे धुल जाए। उसके बाद इसको पानी में बॉईल करना है हमने। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से धुल गया है और मैंने पानी गर्म करने रख दिया था। तो ये अच्छे से पानी गर्म हो गया और अब मैं इसमें डाल दूँगी वन बाई वन करके, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पूरा का पूरा किस रोड ये, और इसे अच्छे से बॉइल करूँगी और धीरे धीरे से बॉइल करती जाऊँगी मैं। ये देखिए, मैंने इसमें डाल दिया, जैसे जैसे ऊपर आता जाएगा ये पूरा ऊपर तैरने लग जाएगा। तो आप देख लेना, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे सिर्फ आई थिंक 60-70% पका के इसे उसके बाद उतार लेना है। और आप देख रहे हो, इसको चलाते रहना है हल्का हल्का। तो मैंने इसको चला दिया है बहुत ही बढ़िया तरीके से, आप देख रहे हो धीरे धीरे किस रोड ऊपर आने लगा है। तो इसी तरह इसको आने देना और उसके बाद इसको निकाल लेना है। तो देखिए, इसी तरह मैंने सारे किस रोड को उबाल लिए, देखिए ऊपर तैरने लगा, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, सारा का सारा ऊपर उतर तैरने लग पड़ा है बहुत ही अच्छे से। और मैंने इसे चेक कर लिया, ये आई थिंक हो गया है बहुत ही बढ़िया, ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। अब मैं और पापा इसको मिलकर उतार लेंगे और एक छन्नी वाले बर्तन की मदद से बड़े से बर्तन में इसे खाली कर लेंगे। और आप देखिए, इसका पूरा पानी निकाल के और फिर बाहर एक बेड पे चादर बिछा देंगे हम कॉटन की, और इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम लोग ये इस चादर पे इसको फैला देंगे। तो इसी तरह आपको फैला देना है और इसको थोड़ी धूप लगने देंगे, ज़्यादा धूप नहीं लगने देंगे। तो आप देख लीजिए, इसको मतलब इसका पानी सूख जाना चाहिए अच्छे से, पानी पानी रहने से इसमें मॉइस्चर रह जाएगा और अचार आपका ख़राब हो सकता है। तो देखिए, मैंने बिछा दिया। तो इसमें देखिए क्या क्या इंग्रेडिएंट डालने, मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से। ये आप देख सकते हो, ये राई, पीली सरसों एंड काली सरसों, ये मैंने मिक्स किया हुआ है। और ये जीरा और सूखा धनिया, इसको भी इकट्ठा हमने रखा हुआ। और ये देख सकते हो मेथी, मेथी को आपने खड़ा ही रखना है। और ये ले लिया हमने सौंफ और अजवाइन ले लिया, इसको भी पीसना नहीं है, इसको खड़ा रखना। और इनको हमने, इन दोनों चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लेना है अच्छे से मिक्सी में। और ये मैंने सिरका ले लिया, ये आपको का देख लो विनेगर, ये बहुत ही बढ़िया है, हम इसको भी डालेंगे इसमें। और हल्दी, नमक वगैरह, ये तो आपको पता है कंपल्सरी रहता ही है, ये सब डालना है। पहले हम इसको मिक्सी में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसको ज़्यादा नहीं करना है, इसको हल्का दरदरा रखना है। और ये देखिए, ये सब चीज़ें मैंने ये डालकर इसको पहले ग्राइंड कर लेती हूँ मैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने इसको अच्छे से धूप लगाई थी, मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इसको धूप में डाला। इसको देखो, अच्छे से धूप लगाने के बाद ये ऐसी हो जाती है, थोड़ी सी ये चिपचिपापन रहता है, ये तो रहता ही है इसमें, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आपने अच्छे से सिर्फ इसमें पानी सुखा लेना है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि ये मैंने सब इंग्रेडिएंट रेडी कर दिए। ये देखिए, ये दरदरा पीस के रख दिया। और ये देखिए, मिर्ची मैंने स्पेशली जो घर की होती है चिमनी,
रेड चिली वो मैंने अच्छे से भिजवाई है कुंडे में, और अभी मैं इसे बनाना शुरू करूँगी। तो आप इसे देख सकते हैं, देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से। मैं इससे सबसे पहले मैं इसमें ये डालूँगी, ये देखिए जो ये मसाला पीसा हुआ था इसको डाल दीजिए अच्छे से। तो ये देखिए ये मेरे पास मिर्ची पड़ी हुई थी, मैं इसको भी अच्छे से डाल दूँगी। ये देखिए आपको सौंफ और ये अजवाइन है इसको भी आप डाल देंगे ऐसे अच्छे तरीके। और इसी तरह ये आ गई आपकी मेथी, मेथी और उसके बाद आप नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं आप। ये देखिए नमक, नमक की मात्रा थोड़ी सी आपको ज़्यादा रखनी है ताकि अचार की लाइफ ज़्यादा अच्छी हो सके। इतना ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा रखना है अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये देखिए हल्दी, मैंने इसमें हल्दी डाल दी, इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लूँ मैं पहले। और उसके बाद देखिए मैंने विनेगर लिया, विनेगर देख सकते हैं आप थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि इसको थोड़ा सा खोलने में ये मदद करेगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा विनेगर दी थी इसमें डाल दी थी, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसमें, खट्टापन आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और इससे सिरका हमारा ख़राब नहीं होता, ये कंपल्सरी है इसमें डालना विनेगर। और ये देखिए ये इसको अच्छे से सोख लेगा। और ये मैंने ले लिया है गर्म ऑयल, थोड़ा सा ठंडा कर लिया, हल्का सा भाप आ रहा है, और इसमें ये अच्छे से आप डाल सकते हैं। ये देखिए हल्का हल्का गर्म है, थोड़ी सी आवाज़ करना चाहिए। ऑयल अच्छे से पक चुका है मेरा ऑयल, और आप ये देख सकते हो। और इसी तरह इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, कम से कम पाँच मिनट तक तो अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि मसाला अच्छे से पूरे में मिक्स हो जाए और लिंगड़ का अचार बनके तैयार हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब और टेस्टी, और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है ये, पहाड़ों पर मिलती है, और इसे खाना बहुत ही अच्छा रहता है। सीज़न के हिसाब से खाएं तो काफ़ी ज़्यादा बीमारियां भी दूर होती हैं और टेस्ट भी बहुत आता है खाने में। तो देखिए फाइनली हमारा अचार बन के रेडी हो चुका है। देखिए बहुत ही सुंदर और लाजवाब अचार बन के तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसे एक कांच की बर्नी लेंगे और उसमें डाल देंगे, और आप भी ऐसे कांच का बर्तन लें और उसमें डालें, इस पर धीरे धीरे करके आपने इसमें डाल देना। और मैंने इसी तरह दो बर्नियाँ ले ली हैं और मैं उन्हें भर के रखूँगी। इसमें डाल दिया है और इसको बिल्कुल टाइट करके डालना है क्योंकि इसको अच्छे से और धूप लगानी है, दो तीन दिन इसमें धूप लगाई है, बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाता है ये खिचड़ी का अचार। तो आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज के कंटेंट के साथ बढ़िया। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें और बनाएँ अपने घर में ऐसा लाजवाब खिचड़ी का अचार। तो चलो मिलते हैं आपके साथ नई टिप्स और नई जर्नी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।